आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑटिज्म बच्चे का भाषा का विकास डेवलपमेंट किन किन स्टेप में होता है, यानी कि बच्चा पहले क्या बोलना सीखता है, फिर उसके बाद किस टाइप का बोलना सीखता है, फिर उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन का आंसर करता है। ये सब डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ और इस वीडियो को देखकर आप भी अपने बच्चे की भाषा पे वर्क कर सकती हैं। नॉर्मल बच्चों का भी भाषा का डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है, बस अंतर बस इतना ही होता है कि नॉर्मल बच्चे अपने आप सीखते हैं और कम एज में बोलना सीख जाते हैं इन्हीं स्टेप में, और जबकि ऑटिज्म वाले बच्चों को बोलना सिखाना पड़ता है, इन स्टेप में बोलना सिखाना पड़ता है और वो अपने आप सीखते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा एज के बाद वो बोलना सीखते हैं। तो पेरेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने बच्चे की लैंग्वेज कैसे डेवलप करें और उसको किस तरीके से बोलना सिखाएं, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना सिखाएं, क्वेश्चन करना कैसे सिखाएं, सेंटेंस बनाना कैसे सिखाएं, सेंटेंस में बातें करना कैसे सिखाएं, ये सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले आप जान लीजिए कि बच्चे में पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज आती है और उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आती है, यानी कि पहले बच्चा आपकी बातों को रिस्पॉन्स करता है, फिर बाद में आपसे बोलता है, क्वेश्चन करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आप सोचो कि बच्चा एकदम से ही सब कुछ बोलना सीख जाए, तुरंत स्पीच आ जाए, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बच्चे में स्पीच लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे में पॉइंटिंग आती है, यानी कि सबसे पहले आप पूछते हैं फैन कहाँ है, तो बच्चा पॉइंटिंग करके बताता है। आप पूछते हैं ग्लास कहाँ है, तो भी बच्चा फिंगर से या फिर इशारे से बताता है। तो ये भी एक भाषा का ही रूप है, ये एक रिसेप्टिव लैंग्वेज है। फिर उसके बाद बच्चा फिंगर पॉइंटिंग करके बताता है ये चाहिए, तब वो बोल नहीं पाता है पर फिंगर रख देता है। जैसे चॉकलेट चाहिए तो फिंगर रख देगा, आइसक्रीम चाहिए दूर से फिंगर से बता देगा। फिर उसके बाद बच्चा एक अक्षर पे आता है, जैसे माँ माँ बा बा अकेला बोलेगा, पाप ऐसे बोलेगा, तो बच्चा एक अक्षर के साउंड पे आ जाता है। फिर उसके बाद बच्चा दो अक्षर के साउंड पे जाता है, जैसे पा पा बा बा मा मा ऐसे बच्चा जाता है। तो आपको ये देखना है कि वो मीनिंगफुल बोल रहा है कि नहीं, जैसे पापा को पापा, मामा को मामा, तो आपको उसको सिखाना होगा कि ये पापा है, ये मामा है, ऐसे आपको बताना है, ये दादा है, ये बाबा है, ऐसे बताते रहना है आपको। फिर उसके बाद बच्चा वर्ड सीखता है, नॉर्मल वर्ड, जैसे पानी, रोटी, ग्लास, ऐसे नॉर्मल वर्ड बच्चा सीखने लगता है। फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा मीनिंगफुल वर्ड बोलने लगता है, जैसे दे दो, ले लो, आओ, रखो, फेंको, इस तरह के वर्ड बोलने लगता है। फिर उसके बाद पानी दे दो, पानी ले लो, आइसक्रीम दे दो, पानी चाहिए, ऐसे वर्ड बच्चा बोलने लगता है। ये वर्ड बच्चा बोलने लगता है यानी कि बच्चा को स्पीच की प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा स्पीच तो बच्चे में आ गई है, पर लैंग्वेज को उसको अपन को डेवलप करना पड़ता है। फिर बच्चा रिपीटेटिव हो जाता है इस कंडीशन में। फिर आप बोलोगे पानी चाहिए, तो वो भी पानी चाहिए बोलने लगता है, वो ऐसे नहीं बोलता हाँ पानी चाहिए, बच्चा बोलेगा पानी चाहिए। आप बोलोगे क्या कर रहे हो, तो वो भी बोलेगा क्या कर रहे हो। तो इस टाइम पे बच्चा आपकी बात को रिपीट करने लगता है, जिसे इकुलालिया भी बोलते हैं, और बच्चा डिले इकुलालिया भी करता है, जैसे कहीं कोई सेंटेंस सुना है वो बच्चा बोलने लगता है बार बार। तो ये भी एक भाषा का ही एक रूप है। फिर इसके बाद बच्चा आपके क्वेश्चन का आंसर करने लगता है, नॉर्मल क्वेश्चन का, क्या वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चा करने लगता है। जैसे आपने बच्चे को पूछा कि ये क्या है, तो बच्चा बोल देगा पेन, पेन है, पेन, ऐसे बोल देगा। फिर आपने पूछा कि ये क्या है, तो बच्चा बोल देगा माला, ये क्या है, चश्मा। फिर आपका बच्चा इस तरह के क्या वाले क्वेश्चन का आंसर करने लगेगा। फिर बच्चा थ्री वर्ड के सेंटेंस बोलने लगेगा, जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे पैसे दे दो, मुझे एप्पल दे दो, ऐसे बच्चा बोलने लगेगा। और बच्चा बोलने लगेगा पापा बाहर चलो, मम्मी गेट खोलो, इस तरह के थ्री वर्ड के सेंटेंस बच्चा बोलने लगेगा। फिर फोर वर्ड के सेंटेंस भी बोलने लगेगा, पैसे मुझे दे दो मम्मी, मम्मी इधर आओ बैठो, ऐसे भी बच्चा
फोर वर्ड के सेंटेंस बोलने लगेगा, फिर उसके बाद आपका बच्चा आपके इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने लगेगा। जैसे आपने पूछा पापा क्या कर रहे हैं, तो बच्चा बोलेगा पापा खाना खा रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल ऑफिस जा रहे हैं। आप पूछोगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो बच्चा बोलने लगेगा आप खाना बना रहे हो। और आप पूछोगे झलक आप क्या कर रहे हो, तो बच्चा बोलने लगेगा कि मैं खाना खा रही हूँ। फिर उसके बाद बच्चा दो वर्ड के सेंटेंस को जोड़ने लगेगा, जैसे गिलास गिर गया पानी फैल गया, बिस्किट गिर गया बिस्किट टूट गया, ऐसे करके बच्चा दो जो सेंटेंस हैं उनको जोड़ के बोलने लगेगा। फिर उसके बाद बच्चा आपके इस तरह के क्वेश्चन के आंसर करने लगेगा, जैसे कौन है, ये किसका है, ये कैसे किया, खाना कब खाओगे, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर बच्चा फिर करने लगता है। फिर आपका बच्चा अब इतना सब होने के बाद आपका बच्चा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे आएगा, यानी कि फिर वो क्वेश्चन करेगा। जब बच्चा क्वेश्चन करने लगता है तो वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे आ जाता है, तो फिर बच्चा आपको क्या वाले क्वेश्चन करने लगेगा, जैसे ये क्या है, मम्मी वो क्या है, वो क्या जा रहा है, वो क्या आ रहा है, ऐसे क्या वाले क्वेश्चन करने लगेगा बच्चा आपका। फिर उसके बाद बच्चा इस तरह के क्वेश्चन करेगा, ये कौन लाया, ये किसका है, ये किसने दिया, ये कैसे किया, खाना कब खाएंगे, होटल कब जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन बच्चा करने लगता है उसके बाद। फिर उसके बाद बच्चा आपके क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करने लगता है, क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और आपको शुरुआत में बच्चे को सिखाना पड़ता है क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए, तो आपको शुरुआत में सिखाना है। जैसे कि अब बच्चे से कुछ नुकसान हो गया, बच्चे ने ऑयल फैला दिया, तो आप बोलेंगे कि क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो अब बच्चे को पता नहीं है कि क्यों, अब बच्चे से गलती से हो गया, जानबूझ के उसने किया नहीं, तब वो क्या बोलेगा, उसको बोलना आता नहीं है इसलिए वो आंसर नहीं करता। तो आप उसको सिखाइए कि मुझसे गलती से फैल गया, मैंने जानबूझ के नहीं फैलाया है। तो इस तरह से आपको क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर सिखाना है, शुरुआत में सभी टाइप के क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करना आपको बच्चे को सिखाना है। फिर उसके बाद आपका बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन करने लगेगा, जब उसको पता चलेगा कि क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, फिर उसके बाद वो क्यों वाले क्वेश्चन करने लगेगा। जैसे बच्चा बोलेगा मम्मी आज खीर क्यों नहीं बनाई, पापा आज जल्दी ऑफिस से क्यों नहीं आए, पापा आज लेट क्यों हो गए, इस तरह के बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन करने लगेगा, और आप उसको सही और प्रॉपर आंसर देंगे तो उसकी भाषा और भी ज़्यादा डेवलप होने लगेगी। फिर बच्चा बाहर वाले लोगों से भी ज़्यादा कम्युनिकेट करने लगेगा, जब उसको क्यों वाले क्वेश्चन करना और उनके आंसर करना आने लगेगा, तो उसकी भाषा पर उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो वो बाहर वालों से भी बातें करने लगेगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चा स्कूल की बातें बताने लगेगा, ट्यूशन की बातें बताने लगेगा, या कहीं बर्थडे पार्टी में गया है तो वहाँ की बातें घर पे बताने लगेगा कि आज ये हुआ वो हुआ, ये कह रहे थे वो कह रहे थे, और ये खाने को मिला, हमने ये किया, इसने डांस किया, ऐसे बच्चा सब बताने लगता है। फिर उसके बाद बच्चा कुछ कठिन वर्ड कठिन सेंटेंस भी बोलने लगता है, जैसे विष्टा मेरी कॉफ़ी कर रही थी, वो मेरे देख देख के लिख रही थी, ऐसे कुछ भी कठिन वर्ड्स बच्चा बोलने लगता है। फिर बच्चा लगातार कई देर तक बोलने लगता है, जब उसको क्यों वाले क्वेश्चन करना आ जाता है, क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करना आ जाता है, फिर उसके बाद उसकी असली भाषा डेवलप होती है, फिर वो आधा घंटा एक घंटा भी कंटिन्यूस बात कर सकता है किसी के साथ में, आपके साथ में, धीरे धीरे वो लॉन्ग टाइम के लिए कन्वर्सेशन करने लगता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने खाना खा लिया क्या, हाँ मैंने खा लिया, आप क्या कर रहे हो, मैं तो ये कर रहा हूँ, आप होमवर्क में क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कन्वर्सेशन बच्चा करने लगता है। जब बच्चे को क्यों वाले क्वेश्चन करना, क्यों के आंसर करना आएगा, तभी वो उसकी जो कन्वर्सेशन है वो लॉन्ग हो पाएगी और वो स्टोरी टेलिंग कर पाएगा, उसके बाद बच्चा स्टोरी टेलिंग कर पाएगा। तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप भी अपने बच्चे पे वर्क कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप बोलना सिखा सकते हैं।
तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो भी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।